हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं सपना, मैं भी अच्छी हूँ और आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल फैमिली ब्लॉग सपना में। तो ये जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगी आज। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाती हूँ। आप लोग जो टॉपिक्स देते हैं, तो किसी का रिक्वेस्ट अगर रह जाता है तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ करिएगा, बट मैं सबकी कोशिश करूँगी, मैं धीरे धीरे सबका ही रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करूँ और उसको पूरा करूँ। और आज मैं जो दो पोनीटेल होता है ना, दो चोटी बाल हाई मतलब ऊपर करके बनाना होता है, किसी का रिक्वेस्ट आया था। जो ये वीडियो देखेगा, जिसका रिक्वेस्ट है, तो वो मतलब वो खुद ही समझ जाएगा कि उसके ऊपर ये वीडियो बनाया गया, उन्होंने कहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और देखिए, मैं यहाँ पर अपना, आप लोग बोलते हैं ना अपना रियल वॉइस दिया करिए, तो मैं यहाँ पर अपना बोल रही थी, लेकिन मेरी मोबाइल की स्पीकर ख़राब हो गई है, तो मेरी आवाज़ आई मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो इसलिए मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा अपनी आवाज़ को फ्रेंड्स। और देखिए, मैं यहाँ पे अब वीडियो बनाना शुरू कर दी हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। आपने कहा है कि वीडियो थोड़ा लंबी बनाया करिए, थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया कीजिए, तो मैंने आज टाइम ज़्यादा दिया। और आप लोग, इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग वॉच पूरा टाइम करिएगा ताकि मेरा वॉच टाइम बढ़े। तो फिर मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ, सबसे पहले ये बात कि मैं दो दिन के बाद कंघी, दो दिन की क्या बात, मैं तीन दिन के बाद कंघी कर रही हूँ, क्योंकि इतने लंबे बाल हैं और मेरी फैमिली है, दो बच्चे हैं, हस्बैंड है, सबको परिवार को मैनेज करना, उसके बाद वीडियो बनाना, तो थोड़ा मुझे मेरे लिए होता है, मेरा लंबा बाल है तो मैं उसको हमेशा जुड़ा बना के रखती हूँ। आप लोग का रिक्वेस्ट आता है तो मैं वीडियो बनाती हूँ उस पर, कि मतलब आप लोग को क्या चाहिए, कैसा चाहिए वीडियो, तो उस पर तो मैं तीन दिन के बाद कंघी कर रही हूँ। और देखिए, मेरे बाल उलझे लग रहे हैं आप लोग को ना, और मैं आप लोग को ये भी दिखाऊंगी इसमें कि मैं तीन दिन के बाद कंघी कर रही हूँ, फिर भी मैं अपने बालों को कितने अच्छे से सुलझाऊंगी और कितने अच्छे से मतलब कंघी करूँगी। आप लोग ये देखिए कितना प्यार से, और मतलब धीरे धीरे सहला सहला के, मतलब हाथ से अपने, फिंगर से अपने, प्लीज़ आप लोग ये ज़रूर देखिएगा। इसलिए मैं आप लोग को ये बता दूँ कि मैं तीन दिन के बाद कंघी कर रही हूँ। मैं चाहती तो वीडियो कट कर देती, बट मैं आप लोग के लिए वीडियो रखना चाहती थी, तो प्लीज़ आप लोग ये ज़रूर देखिएगा। मैं धीरे धीरे कंघी करूँगी, पहले मैंने पूरे बाल को एक साइड ले लिया है, पहले मैं एक साइड करके एक साइड का बाल कंघी करूँगी। और ऐसे ही आप लोग को भी करना है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे बाल टूटे ना, मतलब उलझे ना, तो ऐसे ही करिएगा, कमज़ोर ना, धीरे धीरे करके। मैं बहुत धीरे धीरे, बहुत आहिस्ता आहिस्ता करती हूँ, और देखिए एक साइड के बाल मेरे बहुत अच्छे से कंघी हो चुके हैं। और मैं दूसरी तरफ अपने बाल को करूँगी और इधर दिखाऊँगी कि मैं कैसे कंघी कितने अच्छे से कर रही हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और आप लोग परेशान ना होइएगा कि इतने लंबे बाल हैं तो अपने बालों को कैसे संभाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लंबे बाल हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डेली उसको मतलब फैशन में ऐसे करें, ये चीज़ करें, नहीं, आप उसको जुड़ा बना के रखिए कि पार्टी है, फंक्शन है, कहीं जाना है, तो अपने बालों को बहुत अच्छे से करेंगे तो आपका लुक भी देखने में अच्छा आएगा और मतलब देखने वाले देखते रह जाएंगे, वो तो आप लोग समझ ही सकते हैं। इसलिए मैं अपने बालों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं आप लोग को बता दूँ, बहुत प्यार करती हूँ। बहुत लोगों ने बोला भी कि मतलब कटा दो बाल, अब बहुत ज़्यादा लंबे हो चुके हैं, ज़्यादा लंबे बाल नहीं रहना चाहिए, बट मैंने अपने बालों को नहीं कटाया, क्योंकि मैं नहीं कटाऊंगी और मैं अपने बालों से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, एक वीडियो आया है कि आप बालों को ट्रिम करके दिखाइए, मैं अपने बालों को थोड़ा थोड़ा काटती हूँ, नीचे से इसे बराबर करती हूँ, होता ना, सब लोग बोलते हैं बराबर कर लो बाल को, तो वो भी वीडियो मुझे डालना है, मैं जरूर जल्दी ही डालूंगी वो वीडियो आप लोग के लिए, तो कि मैं कैसे काटती हूँ इतने बालों को। देखिए, मैं अपने धीरे धीरे कंघी कर रही हूँ, आप लोग को दिखा रही हूँ कि मेरे बाल अच्छे से उलझ चुके हैं, जहाँ उलझे हैं वहाँ देखिए मैं कितने आराम से, कितने आहिस्ते से, आराम से कर, देखिए एक हाथ से मैंने ऊपर पकड़ लिया अपने बालों को बढ़िया से, और मैं धीरे धीरे कंघी करती हूँ, क्योंकि बाल ना ऊपर से खींचते नहीं हैं और दर्द नहीं करते, कि मैं अपने बालों को थोड़ा सा पकड़ खींच के उधर से रखी हूँ, इधर अपना धीरे धीरे कंघी कर रही हूँ, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। ऐसे मेरे बाल ना टूटते भी नहीं हैं और खींचते भी नहीं हैं और मुझे तकलीफ भी नहीं होती। मेरे मुँह पर आप लोग सिकन देख सकते हैं, इसे बाल दुखता है, दर्द करता है, खींचता है, बाल बहुत ज़्यादा उलझा रहता है, तो इंसान का मुँह भी बना रहता है, वो लोग आप लोग रियलिटी देख सकते हैं मेरे मुँह का। हाँ, ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी आज, तो पसीने मुझे हो रहे थे, कूलर मैंने चला के रखा था, फ़ैन चलाया था, बट गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो देख सकते हैं मैं अपने बालों को कंघी कैसे कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी कंघी ऐसे ही करिएगा, और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, जब तक मैं कंघी करती हूँ तब तक मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा प्लीज़। और जो है वॉच टाइम करिएगा, वॉच टाइम बढ़ाइएगा मेरा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं ना वो सब्सक्राइब कर देंगे, जो मेरे चैनल पर पुराने हैं वो लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे, जरूर प्लीज़ रिक्वेस्ट करें। मैं आप लोगों से आर्डर नहीं दे रही हूँ, बट रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ आप लोगों से। ये देखिए मेरी कंघी हो चुकी है, और जल्दी ही मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि मैं अपने बालों की दो चोटी कैसे करती हूँ। जो हाई पोनीटेल होता है ना ऊपर किया जाता है चोटी, वही मैं चोटी करके दिखाऊंगी आप लोगों को,
और प्लीज़ आप लोग जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को बढ़ाइए। कुछ लोगों ने मतलब कमेंट्स किया है कि आप लाइव आइए। मैं लाइव कैसे आ सकती हूँ जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, जब तक मेरे वॉच टाइम पूरे नहीं होंगे, तब तक यूट्यूब वाले ऑप्शन नहीं देते हैं कि लाइव आने का, तो मैं कैसे आ सकती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो मैं आगे बढ़ूँगी, तभी तो आप लोग से मिल पाऊँगी, बातें कर पाऊँगी और अपने बारे में सब कुछ बता पाऊँगी। मैं ब्लॉग भी बनाऊँगी। कमेंट्स ये भी आए हैं कि आप जो अपने बालों का जर्नी बताइए, अपने बालों की आपने कैसे इतने लंबे बालों को इतना मतलब ऐसे किया, बताऊँगी वो भी बताऊँगी। इसमें कोई वो नहीं था, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। मैंने अपने बालों की बहुत सेवा की है। सेवा करने का मतलब ये नहीं कि मतलब उसको वैसे रखती थी, बच्चों की तरह नहीं पालती थी। जो मैं करती थी जैसे करती थी वो सब मैं आपको बताऊंगी। देखिए मेरे नीचे के बाल थोड़े से अभी उलझे हैं, तो मैं आधे बाल को पकड़ के उसको बहुत अच्छे से कंघी कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर का बाल खींचेगा नहीं और नीचे का बाल बहुत अच्छे से कंघी हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग मैं अपने बालों को कैसे कैसे कंघी कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग का देखिए हो गया कंघी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरे बाल कंघी करने का स्टाइल कैसा है, और मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं दो चोटी बाल कैसे करूँ। और मेरे बाल बहुत अच्छे से अब सुलझ चुके हैं, मतलब कहीं भी मतलब फसा फसा हुआ बाल नहीं है। थोड़ा बहुत अभी कंघी करके मैं देख रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ कि ऐसा है तो नहीं ना। और देखिए मैं अभी पीछे से मांग निकालूंगी, जो कि नॉर्मली सब लोग निकालते हैं। मेरे बाल थोड़े कुछ लंबे हैं तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, क्योंकि इसमें किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। और ये मैं आप लोग को रिक्वेस्ट पर वीडियो बनाती हूँ, तो मैंने ये जो स्टाइल है ये बहुत दिन हो गए मुझे कि वह दिन मतलब पढ़ाई करती थी मैं, जब कॉलेज लाइफ थी मेरी तब मैं करके जाती थी और अच्छा लगता था तो कर लेती थी। अभी बहुत दिन हो गया, आप समझ सकते हैं शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, परिवार है, फैमिली है, तो सभी सब आदत तो छूट गई है। और फंक्शन वगैरह में जाना पड़ता है तो मैं जो है ढीली ढीली चोटी कर लेती हूँ या जूड़ा बना लेती हूँ मतलब। और जो मैं आप लोग को एक स्टाइल दिखाई थी एक और वीडियो में, तो मैं वैसा कर लेती हूँ, ज़्यादा मैं सब नहीं करती हूँ। तो फिर इसीलिए जो थोड़ी सी मुझे दिक्कत होगी, फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगी, आप लोग की खुशी के लिए, आप लोग को ये दिखाने के लिए कि हाँ अपने लंबे बालों के साथ हम लोग कैसे रह सकते हैं और अपने लंबे बालों को हम लोग कैसे प्यार कर सकते हैं, कैसे केयर कर सकते हैं। और उसकी मतलब उस बालों का हम लोग कोई भी हेयर स्टाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे लंबे बाल हैं तो हमें जूड़ा बना के रखना है, हमें छोटी बना के रखना। नो, अपने बालों को हम लोग बहुत सारे स्टाइल दे सकते हैं जो कि लुक बहुत अच्छा आएगा। सब लोग नकली बाल लगा लगा के अपना लुक दे रहे हैं, बट हम अपने असली बालों को लुक क्यों नहीं दे सकते जब हम नकली बालों से लुक बना सकते हैं अपना। तो ये देखिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि मेरे बाल कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं, कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं ना। आप लोग बताइएगा कमेंट करिए कुछ ज़्यादा लंबे हैं या सही है। अभी भी वो मतलब बढ़ ही रहे हैं मेरे बाल, तो इसलिए भी थोड़ा सा नीचे से काटना पड़ता है, एक बराबर करना पड़ता है उसको। बढ़ते रहते हैं मेरे बाल। और देखिए मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों से ऐसे खींच रही थी, इसलिए मैं इधर करके दिखा रही हूँ आप लोगों को कि आप लोग देखिए कि मैं मतलब कैसे मैं उसको करके बना रही हूँ। थोड़ा थोड़ा खींच रही हूँ, फिर सोच रही हूँ अच्छा अभी और लंबा है तो फिर मुझे खींचना है। तो मैं खींचे जा रही थी अपने बालों को। और देखिए बहुत आराम से, मुझे दिक्कत नहीं हो रही थी। इसलिए मैंने ना ये वीडियो बनाने के लिए दो रिबन खरीदा, क्योंकि मैं एक ही रिबन से अपना काम चलाती हूँ, कभी दो छोटी तो करती नहीं, कर लेती हूँ तो छोटा छोटा वाला रहता है रिबन। ये रिबन से आराम से बन जाता है और टाइट भी रहता है बाल, और मतलब सॉफ्ट होता है ना, दर्द नहीं करता इससे। तो देखिए मैंने एक तरफ का चोटी बना लिया है, वो भी सुंदर। और मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी चोटी इतनी सुंदर होगी और मैं मतलब अच्छी लग रही हूँ, ठीक लग रही हूँ। आप लोग बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, बट मुझे तो मैं अच्छी लग रही थी कि हाँ अरे कितना अच्छा लग रहा है। मुझे अपने कॉलेज का मतलब दिन याद आ गया कि मैं कॉलेज में ऐसी लगती थी और मैं ऐसे ही करके जाती थी। तो सब लोग मुझे जानते हो, मेरे कॉलेज में सब लोग मुझे जानते थे लंबे बालों वाली लड़की के नाम से, मेरे नाम से कोई नहीं जानता था। ये सपना कोई नहीं कहता था, मतलब मेरी फ्रेंड लोग मुझे सपना कहती थी, जैसे ये लोग नहीं होता है कि थोड़े ऊपर वाली क्लास की लड़कियां, थोड़े नीचे क्लास की लड़कियां, लड़के, वो लोग मुझे बोलते थे वो जो लंबे बालों वाली लड़की है, वो जो लंबे बालों वाली लड़की है, मेरा नाम रख दिया था लंबे बालों वाली लड़की। तो सब लोग मुझे चिढ़ाते भी थे वो लंबे बालों वाली लड़की, तो मेरा नाम कोई जल्दी मिलता नहीं था, तो वो था। तो वो सब मुझे याद आ गया। अभी देखिए मैंने एक तरफ की पोनी को बना लिया है, अब मैं दूसरी तरफ चोटी बनाऊंगी। अपना चोटी बोलते हैं आप लोग उसको, क्या बोलते हैं वो आप लोग प्लीज़ आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए कितनी अच्छे से हो गया ना, इजीली, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। अभी मैं दूसरी बार लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैं एक बार लगाऊंगी तो वो ढीला रह जाएगा, कम से कम दो बार तो लगाना ही पड़ेगा मुझे, और बहुत अच्छा लगेगा। अभी देखिएगा आप, थोड़ा सा रह गया मेरा बाल ऐसे ही, अभी भी मैं उसको भी आराम से निकाल लूँगी मैं, क्योंकि मैंने रिबन को पकड़ा हुआ था, रबड़ को छोड़ा नहीं था। और मैं देखिएगा कि मैं अच्छे से बहुत अच्छे से कर लूँगी। मैं चाहती तो यहाँ पे म्यूज़िक दे देती, बट मैं नहीं, मैं अपनी बातों को बोलना चाहती हूँ, आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, आप लोगों से कुछ समझना चाहती हूँ, इसीलिए मैं बोलती रहती हूँ। उसे बोलती मैं बहुत हूँ,
तो देख लिया आप लोगों ने, मैंने अपने बालों को बहुत अच्छे से सुलझा लिया और निकाल भी लिया, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे बाल इतने सुंदर लग रहे हैं, और मतलब मेरे ऊपर भी बहुत अच्छे लग रहे थे, नहीं तो बहुत दिन हो गए थे। अभी मैं नहीं लग रही थी कि मैं, मुझे लग रहा है मैं लड़की हूँ, नहीं लग रहा था कि मैं एक औरत हूँ, लेकिन देखिए बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत नॉर्मली। और मैंने जाना था अपने सूट का, मैंने बाजू आजू भी मतलब मोड़ लिया था कि मुझे कोई दिक्कत ना हो कहंगी वंगी करने में, आप लोगों को वीडियो बना के अपलोड करने में, अच्छी वीडियो बने आप लोगों के लिए। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छी वीडियो बनाऊँ, इसलिए थोड़ी सी मुझे वो हो जाता है। जैसे मैं नॉर्मली घर में रहती हूँ वैसे ही रहती हूँ, और मैं कुछ ऐसे अलग से, देखिए मैं कितनी खुश हूँ, आप लोग देख सकते हैं मैं कितनी खुश हूँ। बताइए आप लोग कैसा लग रहा है? और मैं ऐसे बाल बना के बाहर निकल जाऊँ, मुझे सब लोग क्या गुरुवार यदि मैं कंघी वंघी नहीं करती, बट ये वीडियो बनाने के लिए मैंने कंघी कर लिया है। और देखिए मैं अपने हाथों से करके भी आप लोगों को थोड़ा सा स्टाइल भी मार के मैं दिखा रही हूँ, स्टाइल नहीं मार रही हूँ भाई साहब, आप लोगों को बस मैं ये कर रही हूँ, दिखा रही हूँ कि देखिए है ना, हो गया ना चोटी बहुत ईजिली। और मैंने अपने से किया, आप लोग कमेंट करते हो किसी और औरत से, किसी में जाऊँ हेल्प कर मांगने, मैं खुद ही कर लेती हूँ भाई साहब, अपने बालों का मैं खुद ही वो कर लेती हूँ केयर, तो मैं किसी और के पास क्यों जाऊँ। देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगी पोनी, जो हाई एक पोनी होती है ना उसको पोनी, आप लोग कमेंट में लिख रहे हैं पोनीटेल बना के दिखाइए पोनीटेल, तो मैं उसको भी इसी में ऐड कर दी हूँ। उसी दिन मैंने इसको भी बना लिया था, क्योंकि ये भी रिक्वेस्ट बहुत आ रहा था, लेकिन मैंने एक बार हाथ से बना के दिखाया था, मैंने उसमें रिबन नहीं लगाया था, मैंने हाथ से ही करके दिखाया था, बट बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं जब मेरे पास रिबन आ गया है तो मैं इसको भी बना के दिखा ही देती हूँ। और ये भी बहुत सुंदर लग रहा था, इसका लुक भी बहुत अच्छा आ रहा था, ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर अच्छा लग रहा था, वो सब लोग के ऊपर अच्छा लगता है पोनी, कोई भी लड़की छोटे बाल हो तो भी बना लेता तो भी अच्छा लगता है। ये मुझे भी बहुत पसंद है, मैं जब मैं छोटी थी ना तो मैं सोचती थी ऐसे करके जाऊँ, लेकिन कॉलेज में ऐसे करके नहीं जा सकते थे और नहीं जाती थी मैं, दो चोटी ही करके जाती थी, तो बहुत शौक लगता था, तो शादी ब्याह में या घर पे मैं ऐसे करके रखती थी, और मुझे बहुत सुंदर, मुझे बहुत पसंद भी है ऐसे बाल रखना। अभी देखिए मैं बना के आप लोग को दिखाती हूँ, थोड़ी सी दिक्कत मुझे हो रही है क्योंकि इतने लंबे ज़्यादा बहुत ज़्यादा लंबे बाल हैं, और खींचते खींचते मेरा हाथ भी थोड़ा सा वो हो जा रहा है, एक हाथ से पकड़ना, और ऐसे मैं बातें बहुत करती हूँ ना। हाँ देखिए आप लोग जो भी रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी कुछ कहते हैं, मैं उसे वीडियो बनाती रहती हूँ, तो मैं भी आप लोग से रिक्वेस्ट ही करूँगी कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा प्लीज़, और जो है मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाइए। मैं ही चाहती हूँ जो मेरे सपने हैं मैं उसको पूरा कर लूँ, जो मैंने सोचा है उसको मैं कर लूँ। देखिए ये मेरे बाल ये मैंने कर लिया, और ये बहुत सुंदर, मुझे बहुत सुंदर लग, मैंने चोटी करके रखा था ना जूड़ा बना के, मैं बोल रही थी, इसलिए मेरे बाल थोड़े से घुंघराले आ रहे हैं और मुड़े मुड़े से आ रहे हैं, जबकि ऐसे बाल है नहीं, आप लोगों ने देखा ही है। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना, आप लोग चाहे तो ऐसे आगे करके रख सकते हैं, साड़ी पे भी सुंदर लगेगा, सूट पे भी सुंदर लगेगा, किसी पार्टी वगैरह में जा रहे तो बहुत सुंदर लगेगा, लुक बहुत अच्छा आएगा। और ये देखिए आप इस साइड भी कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, और फ्री रह सकते हैं आराम से, ये तो बहुत अच्छा रहता है, इसमें तो आप बिल्कुल फ्री रहते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप जो है अभी इसको पीछे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर ऐसे कर लेंगे तो और भी सुंदर, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मैं खुद ही सोच पाती कि मेरे बाल है, जब मैं वीडियो में देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ अच्छा सच में इतने लंबे हैं और इतनी सुंदर, क्योंकि अपना बाल अपने आप को लंबा नहीं लगता ना, लगता भी छोटा है, किसी और का देखती हूँ मैं सोचती ऐसा नहीं इनका लंबा बाल होगा, मेरा इतना लंबा बाल नहीं होगा, बट मैं जब अपना वीडियो में देखती हूँ तो मुझे लगता है नहीं है। तो देखिए कैसा लग रहा है मेरा बाल, मैंने दो हेयर स्टाइल आप लोग को बताई है इसमें, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा है, और शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स में, रिलेटिव में, या अपने फैमिली में, सबको दिखाइएगा, और सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़ मेरे चैनल को, जल्दी से जल्दी मोनेटाइज कराइए आप लोग। फ्रेंड्स मेरी फैमिली बड़ी हो गई है, वैसे मैं आप लोग से भी बात बताना चाहती हूँ, मेरी फैमिली बढ़ती जा रही है, घटती नहीं जा रही है, इसलिए मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जिस दिन मेरी थोड़ी सी फैमिली और बढ़ेगी मैं आप लोग को वीडियो बना के जरूर डालूंगी उसमें, और जो है मैं बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, आप लोगों के साथ सेलिब्रेट भी करूँगी। देखिए मैंने आपको ये भी स्टाइल भी दिखा दिया है फ्रेंड्स, तो अभी मैं वीडियो ये भी बंद करती हूँ फ्रेंड्स, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और सपोर्ट करिएगा प्लीज़।